कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि 10, 15, 20 मिनट बाद या फिर 2 घंटे या 4 घंटे बाद वापस से चीजें वैसी ही हो जाएंगी, तो क्यों हम अपने घर को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करें। पहले मैं जहाँ रहती थी वहाँ मेरी एक नेबर थी जो जब भी मेरे घर आती तो हमेशा यही बोलती थी कि क्यों कर रही है ये सब, फालतू के काम हैं, वापस से चीजें वैसी ही हो जाएंगी। और जब मैं उनके यहाँ जाती, किसी भी चीज को देखती और उनसे बोलती कि भाभी ये ऐसा हो रहा है, अरे कोई बात नहीं, छोड़ दे, नया ही तो लेना है, इसको क्या ठीक करें। तो क्या आपके लिए भी चीजें ऐसी होनी चाहिए? मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, माय सेल्फ नीतू। एंड इस चैनल पर पोस्ट करती हूँ वीडियोस रिलेटेड टू माय होम, होम मेकिंग, किचन टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड, जो मेरे साथ साथ आपके लिए भी बेनिफिशियल हो। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड उसके साथ में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करिएगा एंड ऑल पे सेलेक्ट करिएगा, जिससे कि मेरे चैनल की सारी ही अपडेट से आप टाइम टू टाइम नोटिफाई हो जाएं। सो लेट्स बिगिन। किचन में रोटी बनाते टाइम हमें सूखे आटे की बर्तन, पलोथन, जो भी आप बोलते हो, उसकी बहुत ज़रूरत होती है। एंड इसके बिना रोटियां बनाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर रोटी में कई बार हमें ये यूज़ करना पड़ता है। तो मैं ट्राई करती हूँ उसको इस तरह के एक बड़े से कंटेनर में रखने का, और इसी में हमेशा मैं रखती हूँ। ईज़िली आप इसका लिड ओपन करके इसको यूज़ कर सकते हो, और जब यूज़ में नहीं हो रहा हो तो आप इज़िली इसका लिड बंद करके किसी भी प्लेस पे रख दीजिए। ना तो इसमें चीटियाँ जाएंगी, कोई भी कीड़ा मकोड़ा अंदर नहीं जाएगा, एंड स्पेस भी आपका काफ़ी नीट एंड क्लीन लुक क्रिएट करेगा। आप इसका जो ऊपर की ओपनिंग है वो देख सकते हो, काफ़ी चौड़ी है, एंड रोटी बनाते टाइम बिल्कुल भी इनकन्वीनियंस फील नहीं होता है इसको यूज़ करने में। एंड इसी के साथ पूरी तरीके से काउंटर टॉप की जो भी क्लीनिंग है वो भी मेंटेन रहती है। बार बार आप इस आटे को किसी प्लेट में या फिर परात में कहाँ निकालोगे, उसके बाद आपको इसे कहीं रखना पड़ेगा। तो सबसे बेटर तरीका है इस तरह के टिफिन्स में रखने का। चाहो तो आप इस तरह के स्टील के टिफ़िन भी यूज़ कर सकते हो, एंड हमारे इंडियन घरों में ये बहुत ही ईजिली अवेलेबल होते हैं। कोई भी जो थोड़ा सा चौड़ा हो टिफ़िन, जिसमें रोटी बार बार डाल निकाल सको, आप इस तरह का टिफ़िन यूज़ कर सकते हो, और जब यूज़ में नहीं हो तो आप उनको बंद करके रख दीजिए। तो इस आटे को मैं नॉर्मली मॉर्निंग में फ्रेश आटा निकालती हूँ, तो मॉर्निंग में एक बार यूज़ कर लेती हूँ और एक बार दोपहर में। शाम के टाइम जब मुझे नया आटा लगाना पड़ता है तो उसमें मैं कभी कभी इसको यूज़ कर लेती हूँ, उसी में डाल के गूंद लेती हूँ इसको। और अगर मुझे लगता है कि ये यूज़ नहीं होने वाला है, तो मैं क्या करती हूँ कि इसको एक अलग ट्रे में रख देती हूँ। ऐसे ही बाहर रख देती हूँ तो चिड़ियाँ या कोई भी पंछी आके खा लेता है। अदरवाइज़ मैं इसकी छोटी छोटी सी गोलियाँ बना देती हूँ थोड़ा सा पानी मिक्स करके, तो ईज़िली कोई भी चिड़िया या कोई भी पक्षी है वो खा जाता है। तो है ना कमाल का आइडिया कि आपको यूज़ भी नहीं करना है और पक्षियों को खाना भी मिल गया। यहाँ पर मैंने लिए हैं अपने जो भी वुडन स्पैचुला, जो भी करछुल और जो चमचे हैं वो, और एक मेरा वुडन चॉपिंग बोर्ड है। आजकल जो वुडन स्पैचुला वगैरह है ना, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, अभी ट्रेंड में है, बट इनकी जो भी बेनिफिशियलिटी है वो बहुत टाइम से हम लोगों को पता है। एंड हमारी दादी नानी के टाइम पे भी इनको यूज़ किया जाता था। तो जब मैं छोटी थी, मेरी दादी हमेशा इस तरह की जो भी लकड़ी की चीज़ें यूज़ करती थी उनको टाइम टू टाइम बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखती थी, उनकी काफ़ी केयर करती थी। उस टाइम तो मुझे नहीं पता था कि ये सब क्यों करती हैं, बस मैं ये सोचती थी कि ये सब टाइम पास करने के लिए करती हैं। बट अब जब मैं खुद यूज़ कर रही हूँ इन चीज़ों को, तब मुझे ध्यान आता है कि वो कितने अच्छे से अपनी चीज़ों की केयर करती थी। तो मैं इनको सबको वॉश करती हूँ और बहुत ही अच्छे से कपड़े से पूरा ही इनका पानी सुखा देती हूँ। और उसके बाद में मैं, कोई भी आप कुकिंग ऑयल ले लीजिए, तो सिंपली मैं मस्टर्ड ऑयल को ही यूज़ करूँगी, और इसे इस तरह से अपनी हथेलियों पर इस तरह से अप्लाई करके जो भी स्पैचुला हैं, जो भी आइटम है वुडन, उन सब के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर दूंगी।
काफ़ी अच्छे से आपको ये लेयर अप्लाई करनी है, जिससे इसमें कोई फंगस वगैरह ना लगे और काफ़ी हाइजीन इसकी जो है वो मेंटेन रहे। आप जब भी कुकिंग करें तो ये आपको अच्छी तरीके से क्लीन मिले। और इन्हें किसी भी होल्डर में इस तरह से आप प्लेस कर दीजिए। ये मेरा एक DIY होल्डर है जो मैंने पिछले वीडियोस में शेयर किया था। सेम वे में ही मैं अपने चॉपिंग बोर्ड पे भी ऑयल अप्लाई कर दूंगी बहुत ही अच्छे से। चॉपिंग बोर्ड को भी जब भी आप इसके ऊपर चॉपिंग करें, वेजिटेबल कट करें, उसके बाद जब आप इसको वाटर से वॉश करें, उसके तुरंत बाद आपको सूखे कपड़े से पूरा ही पानी सुखा देना है। एंड आप वीक में, 15 दिन में, 10 दिन में, जब भी आपको टाइम मिले, आप इन चीज़ों पर इस तरह से ऑयल अप्लाई कर दीजिए। आपकी चीज़ें सालों साल नई बनी रहेंगी एंड बहुत ही अच्छे से मेंटेन रहेंगी। अक्सर सब्ज़ी बनाते टाइम पूरे घर में स्मेल फैल जाती है एंड सबको पता चल जाता है कि घर में क्या कुकिंग चल रही है। घर के जो लोग होते हैं, कुछ को तो छींकें आने लगती हैं एंड कुछ लोग खांसी से परेशान हो जाते हैं और हम सोचते ही रह जाते हैं कि अब हम करें भी तो क्या करें और कैसे ये सब मेंटेन रखें। तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ, जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो सारे मसाले पहले भून लेती हूँ। बस मैं जो रेड चिली पाउडर है उसको सबसे लास्ट में, जब मुझे कुकर का लिड बंद करना हो या फिर कढ़ाई में जब मुझे लिड बंद करना हो, उस टाइम पे ऐड करती हूँ। इससे बहुत हद तक छुटकारा मिल जाएगा एंड कोई भी नहीं छींकेगा और ना ही खांसेगा। अक्सर जब हम कोई और काम में बिजी होते हैं या कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं तो देखते हैं जब कुकिंग करते हैं कि अरे हमारी कुकर का, कढ़ाई का हैंडल तो काफ़ी लूज़ हो गया है और ज़रूरत है इसको टाइट करने की। तो स्क्रू फिक्स करने के लिए हमें चाहिए स्क्रू ड्राइवर। सारी ही चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा किचन में ही अवेलेबल रहें और मैंने इनके लिए छोटे छोटे से स्पेस भी बना के रखे हैं। तो यहीं पर ये छोटा सा बॉक्स है जिसमें मैं सारे ही स्क्रू ड्राइवर जो मुझे किचन में लगते हैं वो रखती हूँ और यहाँ से बहुत इजीली, यानी कि अगर मुझे विदिन 10 सेकंड्स भी काम करना हो ना तो इजीली मुझे मिल जाते हैं। तो ऐसे ही चीज़ों को हैंडी रखिए और बहुत ज़रूरी है कि अपनी चीज़ों को टाइम टू टाइम चेक करते रहिए, जिससे कि आपको कुकिंग के टाइम कोई भी दिक्कत ना फेस करनी पड़े। यहाँ पर अगेन मैं बात करने वाली हूँ कुकर कढ़ाई से रिलेटेड। अक्सर हम जल्दबाजी की जो यूटेंसिल क्लीनिंग होती है उसमें बर्तन तो क्लीन कर लेते हैं, अच्छे से वॉश भी कर लेते हैं, बट उनके जो हिडन एरियाज़ होते हैं वहाँ हम थोड़ा सा आलस कर जाते हैं। और अगर हमारे यहाँ मेड आती है तो फिर कहने ही क्या, वो लोग तो और इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। हम कितने भी बार बोल लें, बस उनको अपने मन का काम ही करना है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि हर 10 डेज़, 15 डेज़ में इस तरह की क्लीनिंग करूँ। तो आज मेरा काम था, जो भी मेरी कढ़ाई है, कुकर है, उनके हैंडल्स को हटा के इस तरह से, ये देखिए आप कितना ज़्यादा डर्ट इकट्ठा हो गई है, डर्ट बोलूँ या फिर जो कुकिंग का मटेरियल है वो यहाँ पर एक्यूमुलेट हो के किस तरह का उसने स्टेन क्रिएट किया है। इसी तरह से होता है जब हम थोड़ा बहुत ध्यान नहीं देते हैं। तो अच्छे से मैंने क्लीन किया इसको, रगड़ रगड़ के, एंड क्लीनिंग की जो क्लिप है वो मेरे से डिलीट हो गई तो वो मैं नहीं डाल पाऊँगी, बट हाँ जो क्लीनिंग के बाद वाली क्लिप है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब आप देखिए कि बिल्कुल ही क्लीन हो गया है, कहीं से भी आपको कोई भी स्टेन नहीं दिख रहा होगा। इस तरह से करेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से आपके बर्तन चमकते रहेंगे एंड किचन में कभी भी कोई भी एंटर कर जाए बिल्कुल भी हेजिटेशन फील नहीं होगी और ना ही कोई पड़ोस वाली आकर बोलेगी कि अरे भाभी आपका तो ये ऐसा है। तो बहुत अच्छी टिप है। सेम वे में ही मैंने कुकर के सारे ही पार्ट्स हटा के अच्छे से क्लीन कर दिया एंड प्यारा सा मेरा क्लीन कुकर रेडी है। नेक्स्ट हैक है ये, इस तरह की चीज़ें जब हम कंटेनर्स में रखते हैं तो होता क्या है कि कभी कभी तो इनमें कीड़े लग जाते हैं, कभी छोटे छोटे कीड़े, कभी बड़े बड़े कीड़े, एंड हम परेशान हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता कि इनको किस तरह से स्टोर करें कि ये टाइम टू टाइम क्लीन रहें
और इनमें किसी भी तरह का कोई कीड़ा वगैरह ना आए। तो आप देख सकते हो मेरे कंटेनर्स को, सारी ही चीज़ें प्रॉपरली क्लीन हैं, अच्छे से हैं, बिल्कुल भी आपको कहीं से भी इसमें कोई कीड़ा नज़र नहीं आ रहा होगा एंड ना ही इसमें किसी भी तरह की कोई डर्ट नज़र आ रही होगी। तो जब इनको कंटेनर्स को फिल करें, उस टाइम पे जो भी आप दाल फिल कर रही हैं, चावल फिल कर रही हैं, उनको अच्छे से झाड़ के ही फिल करें, जिससे उनकी जो एक्स्ट्रा धूल है, जो एक्स्ट्रा मिट्टी है या कुछ भी है उनमें, वो निकल जाए। एंड देन मैं आपके साथ में एक अमेजिंग सी टिप शेयर कर रही हूँ। इसके अंदर आपको रखना है बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ जो हर किचन में अवेलेबल है, हाँ, तेज पत्ता या बेल लीफ। इसकी स्मेल से इन कंटेनर्स के अंदर जो भी आप दाल रखेंगी, कुछ भी रखो आप, उसमें कोई कीड़ा नहीं लगेगा। एंड टाइम टू टाइम आप महीने में, डेढ़ महीने में इन पत्तों को चेंज भी कर दीजिए, क्योंकि ये पत्ते रखे इनकी स्मेल कितने दिन तक रहेगी नहीं पता है आपको। तो महीने, डेढ़ महीने, दो महीने में आप इन पत्तों को चेंज कर दीजिए, अगर आप ज़्यादा टाइम तक इन दालों को इसमें स्टोर कर रही हैं तो बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगेंगे एंड बहुत यूज़फुल है। ट्राई ज़रूर करिएगा, अमेजिंग रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। हमेशा मैं यही ट्राई करती हूँ एंड इसी तरह से मेरी दालें बहुत लंबे टाइम तक अच्छे से क्लीन रहती हैं, कोई भी कीड़ा नहीं लगता है। इस तरह के तांबे के बर्तनों में पानी रख कर बाद में उसे पिएं तो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं एंड काफ़ी लंबे टाइम से ये चीज़ें चली आ रही हैं। बट हम सभी को पता है कि ये बहुत जल्दी ही गंदे हो जाते हैं, तो हम क्या करें कि ये हमेशा जो रेगुलर यूज़ के बर्तन हैं उनकी चमक बरकरार रहे। बहुत ही अच्छा एंड रेगुलर बेसिस पे ये आइडिया मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। काफ़ी टाइम से मैं इस चीज़ को यूज़ कर रही थी एंड इस बार मैंने सोचा कि आपके साथ में शेयर ज़रूर करूँ। तो बिल्कुल भी आपको कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं लेना है, सिंपली आप एक नींबू लीजिए और जो रेगुलर साल्ट आता है, नमक जो रेगुलरली आप यूज़ करते हो, उस नमक को इस नींबू में लेके हल्के हल्के हाथों से इसके ऊपर आप रब करिए, तुरंत आपको देखेंगे आप 2 मिनट भी नहीं लगेंगे और आपका बर्तन चमक जाएगा। तो है ना काफ़ी अमेजिंग एंड यूज़फुल सा आइडिया। रेगुलरली मैं इसी बर्तन में पानी भर के रख देती हूँ एंड रेगुलरली कंज्यूम करती हूँ एंड रेगुलरली बेसिस पर ही मैं इस कंटेनर को क्लीन करती हूँ। तो आप भी अपने बर्तनों को इस तरह से चमका सकते हैं बिना किसी मेहनत के, बस आपको ज़रूरत है एक छोटे से नींबू और थोड़े से नमक की। आई नो कि ये टिप जो मैं बताने जा रही हूँ वो सभी को पता है एंड बहुत सारे लोग अपने घर में यूज़ करते होंगे, बट होता क्या है कि जल्दबाजी की कुकिंग में हम कभी कभी ध्यान ही नहीं देते और कुकिंग करते हुए जो भी स्पैचुला वगैरह हैं उन्हें रख देते हैं। मेरे साथ होता है अक्सर, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आपके साथ में शेयर करूं। तो कोई भी चीज़ आप ले सकते हो इनको रखने की। पहले मैं यूज़ करती थी इस तरह की स्टील की प्लेट एंड इसके ऊपर ही मैं रख देती थी अपने जो भी ये करछुल एंड जो भी चमचे वगैरह हैं। फिर मैंने लिया ये ट्रे और इसके ऊपर मैं रखती थी और अब मैंने लिया है इस तरह का ये स्पून रेस्ट, या आप बोल सकते हो स्पैचुला रेस्ट। ये मुझे सबसे अच्छा लगा, मार्केट से जाके मैंने लिया था एंड अराउंड 50 रुपीज़ मुझे ये मिल गया था, तो बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है एंड बहुत अच्छे से ये 4 स्पैचुला को होल्ड कर लेता है एंड साइड में ये यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है जिसमें आप कोई भी लेड या कोई प्लेट इस तरह से स्टैंड कर सकते हो। तो थोड़े से स्पेस में सारी ही चीज़ें आ जाती हैं एंड बहुत ही अच्छा लगा मुझे। या आप इसको कहीं पे भी रख सकते हो, जब यूज़ में ना हो तो हैंग भी कर सकते हो एंड साथ ही में इसकी क्लीनिंग भी बहुत ईजीली हो जाती है। इस तरह की चीज़ें किचन में काफ़ी ज़्यादा क्लीनिंग मेंटेन रखती हैं। सो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो एंड आई एम होपिंग कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर करिएगा, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है या फिर वीडियो के बारे में कुछ बोलना है तो आप कॉमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत ही जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।